आज बताऊंगी बच्चों पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। वैसे तो नई बुक में एक टॉपिक कट गया है, लेकिन अगर ये नहीं करोगे तो 6.2 समझ नहीं आएगी। सबसे पहले है व्हाट इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं? अगर हमारे पास कोई भी दो या दो से ज्यादा लाइनें हैं, ठीक है, और इन लाइनों को कोई एक लाइन कट कर रही है और अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये जरूरी है कि ये दो या दो से ज्यादा लाइन को कट करे, ठीक है। खाली एक लाइन को अगर एक लाइन कट करेगी तो दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो हम इसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, ट्रांसवर्सल नहीं कहेंगे। क्या बताया कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा लाइनें हैं और उन्हें कोई एक लाइन कट कर रही है और कितने अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल समझ में आ गया। अब आपको बता रही हूँ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कौन सी लाइन होती है? ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कहीं पर भी कट ना करे, कितना भी इन्हें आगे बढ़ाओ, कितना भी आगे बढ़ाते जाओ, ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो ऐसी लाइन को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। पैरेलल लाइन का ये जो गैप होता है ये हर जगह बराबर होता है, ठीक है। अब अगर मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी तो ये वाली मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ये सपोज लाइन L थी और ये वाली लाइन M। अब ये जो ट्रांसवर्सल है और ये जो दो लाइनें हैं, ठीक है, ये सब मिलकर टोटल मिलाकर इस फिगर में 8 एंगल्स बना रही है। एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and this is 8, ठीक। ये जो एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर की बात करूंगी तो मैं इसको लिखूंगी अप। लाइन के ऊपर है, ठीक है। ये वाली लाइन के ऊपर कौन सी जगह हुई? ये वाली। इस लाइन के नीचे की जगह हुई ये डाउन, और ये भी लाइन के नीचे है तो ये भी क्या हुआ? डाउन। यानी यहां पर दोनों में डाउन लिखा जाएगा और यहां पर अप लिखा जाएगा, ठीक है। ये एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल का ये वाला पोर्शन क्या होगा? लेफ्ट। और ये वाला कौन सा होगा? राइट। तो यहां मैंने लिखा अपराइट डाउन राइट, अपराइट डाउन राइट, और यहां पे क्या लिखूंगी? अप लेफ्ट डाउन लेफ्ट, अप लेफ्ट डाउन लेफ्ट। इतने में कोई दिक्कत नहीं? क्लियर हो गया किसको क्या बोला? ये ट्रांसवर्सल थी, इसके ऊपर है तो अप बोला, इसके नीचे है तो डाउन बोला, इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है तो लेफ्ट बोला, राइट में है तो राइट बोला। ये सारी चीजें मैंने किस लिए बताई आपको? ये मैंने आपको करस्पॉन्डिंग एंगल बताने के लिए बताया। करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनकी पोजीशन सेम होती है, पोजीशन सेम, ठीक है। ये आप रफ में लिख सकते हैं, किसी बुक में नहीं लिखा होगा, ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है, कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल होते हैं जिनकी पोजीशन सेम होती है। एंगल वन की पोजीशन देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल बता रही हूँ। करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं? जिनकी पोजीशन क्या होती है? सेम होती है। अगर मैं एंगल वन देखूं तो एंगल वन कैसा है? अप राइट। तो यहां पर भी हमें क्या मिल रहा है? अप राइट। तो किससे मिल रहा है? वन और फाइव दोनों मैच हो रहे हैं करस्पॉन्डिंग के लिए। फिर मैंने बता दिया क्या? पोजिशन सेम होनी चाहिए। अब जैसे वन और फाइव, इन दोनों की पोजिशन क्या है? अपराइट। ये भी अपराइट। अगर मैं यहां देखूं अप लेफ्ट, तो दूसरा अप लेफ्ट कौन है? सिक्स वाला। यानी टू और सिक्स करस्पॉन्डिंग होंगे, वन और फाइव करस्पॉन्डिंग होंगे। ये नीचे वाला देख रही हूँ, डी आर मीन्स डाउन राइट, यहां पर भी डाउन राइट, दोनों की पोजिशन सेम है, डाउन राइट में है दोनों, तो ये करस्पॉन्डिंग होंगे आपस में। थ्री और सेवन, ये भी करस्पॉन्डिंग होंगे, और जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं वन वाला एंगल फाइव के बराबर है, फोर वाला एट के बराबर है, ठीक है। इसी तरीके से लिख सकते हैं टू वाला सिक्स के बराबर और थ्री वाला सेवन के बराबर। एक एंगल बता दिया मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल। अब दूसरा एंगल देखो, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट वाले में आपको याद रखना है डेंजर वाला साइन।
ऐसे बना होता है, खोपड़ी बनी होती है और ऐसे क्रॉस बना होता है ना खोपड़ी के नीचे, ठीक है, तो वो वाला क्रॉस याद रखना। तो जहां पर भी ये क्रॉस दिखाई दे, देखो ये क्रॉस बन रहा है, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। एंगल 3 एंगल 5 के बराबर, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर, ठीक, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल में हमको क्रॉस याद रखना। अब यहां डेंजर वाला साइन नहीं है, नॉर्मल एक्स लिखा हुआ है, एक्स जहां पर भी बन रहा है, एक एक्स यहां पर बन रहा है इस जगह पर और एक एक्स हमारा यहां पर बन रहा है, ठीक। इसमें आमने सामने वाले एंगल, वन वाला 3 के बराबर, 2 वाला 4 के बराबर, जब भी ऐसे एक्स बनेगा ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके हमेशा, ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो एंगल 1 बराबर हुआ 3 के, 2 बराबर हुआ 4 के, ये 1 वाला 3 के बराबर, 2 वाला 4 के बराबर, सिमिलरली 6 8 के बराबर और 5 वाला 7 के बराबर, ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। अभी रह गया हमारा इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब जो अंदर है, एक्सटीरियर का मतलब जो बाहर है, ठीक है। इन दोनों लाइन के अंदर ये चारों एंगल है और बाहर कौन से है, 1 2 7, ठीक। तो पहली बात तो ये क्लियर हुई कि यहाँ पर इंटीरियर में लिखा 3 4 5 और 6 और यहाँ 1 2 7 और 8। अब जो हमारे इंटीरियर वाले एंगल होते हैं, ठीक, इंटीरियर वाले एंगल में जो लाइन के एक ही तरफ होते हैं 3 और 6, ये दोनों के दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, ठीक, उनको हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, और इनका सम बराबर होता है हमेशा 1 8, ठीक है। को इंटीरियर के आगे क्या लिख सकते हैं, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, ठीक है, इंटीरियर इसमें खुद ही लिखा हुआ है, यानी हमें इंटीरियर एंगल की बात करनी है जो किस तरफ हो, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ। ये हमने ट्रांसवर्सल ली, इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में चार एंगल थे 2 3 6 और 7, इसमें से अंदर वाले ले लिए, बाहर वाले नहीं लिए, तो 3 और 6 इनका सम किसके बराबर, 180। ये एक तरफ की बात हुई राइट साइड की, अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो चार एंगल 1 4 5 8, इसमें से अंदर वाले कौन से हुए, 4 और 5, 4 और 5, इनका सम भी कितना, 180 होगा। अब बात रही एक्सटीरियर एंगल की, इसमें होता है, इसमें भी होता है को एक्सटीरियर एंगल। को एक्सटीरियर में किसी का सम कुछ नहीं होता, दो एंगल बराबर होते हैं, लेकिन देखो कैसे होंगे। अगर मैं इस 1 एंगल की बात करूं तो ये 1 वाला एंगल 3 वाले एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 3 वाला 5 के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल। 5 वाला 7 के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दैट मीन्स 1 और 7 क्या हुए, बराबर हो गए। फिर से देखो, 1 हुआ 3 के बराबर, वर्टिकली अपोजिट, 3 और 5 हुआ अल्टरनेट एंगल, 5 और 7 फिर से हो गया वर्टिकली अपोजिट, दैट मीन्स 1 इज इक्वल्स टू 7। बिल्कुल सिमिलरली 2 हमारा किसके बराबर होगा, 8 के। कैसे, देखो 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट, 4 और 6 अल्टरनेट, 6 और 8 वर्टिकली अपोजिट, तो दैट मीन्स 2 हमारा किसके बराबर है, 8 के बराबर। बस इतनी ही चीजें इसमें याद रखें। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में दिया है वो दिया है लाइन पैरेलल टू सेम लाइन। ये बहुत ही ऑब्वियस सा है, अगर एक ये लाइन है L और एक ये लाइन मैंने खींची M, सपोज ये बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। L वाली किसके पैरेलल थी, M के पैरेलल थी, मैंने एक लाइन और ड्रॉ करी और ये वाली लाइन P है और ये L के पैरेलल है, तो दैट मीन्स P और M भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल, ठीक है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, सपोज ये एक ट्रांसवर्सल हमने ड्रॉ किया, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, सेम पोजीशन हो रही है, दोनों अप लेफ्ट अपराइट अपराइट में है, दोनों दोनों करस्पॉन्डिंग होगा, यानी एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे होगा, इक्वल होगा।
जब मैंने इन दो ऊपर वाली लाइनों को देखा तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल था, ये भी वही बात करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल टू और एंगल थ्री भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि एंगल वन को एक बार मैं कह रही हूँ एंगल टू के बराबर है, अगली बार कह रही हूँ एंगल वन किसके बराबर है, थ्री के बराबर है, दैट मीन्स टू और थ्री आपस में क्या हुए, इक्वल हुए, और टू और थ्री आपस में इक्वल हुए, और ये कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल कब बराबर होते हैं, जब लाइनें कैसी होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। याद रखना जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी किसके लिए बताई है, पैरेलल लाइंस के लिए बताई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे लिख दूं, एक लाइन मैंने ऐसे बनाई और एक लाइन ऐसे बनाई और एक ये ट्रांसवर्सल बने, ये दोनों पैरेलल नहीं बनाई है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल अभी भी करस्पॉन्डिंग तो है लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे, इक्वल कब होंगे, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी तब, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले के एंगल के अल्टरनेट तो है लेकिन इक्वल नहीं, क्यों नहीं है, कब होंगे इक्वल, तभी होंगे जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, ये और ये दोनों के दोनों इंटीरियर एंगल तो है लेकिन इनका सम 180 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन कैसी है, पैरेलल नहीं, ठीक है। जितने भी मैंने इससे पहले आपको बताया कि ये इसके इक्वल होगा या इसका और इसका सम 180 होगा, वो तभी अप्लाई होगा जब ये दो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे दिया जाता है, जैसे मैंने आपको लेटी भी पैरेलल लाइन बनाई, लेटी की जगह ऐसी पैरेलल लाइन बना दी, ठीक है, और ट्रांसवर्सल ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो आपकी कॉपी में भी या बुक में ऐसे बना हो तो कॉपी को घुमा लो, ठीक है, आपको पता है कि भाई ऐसे वाले में हमने पढ़ा है, इसको घुमा लो और फिर देख लो कौन सा किसके इक्वल, ठीक है। ये वाला और ये वाला करस्पॉन्डिंग होंगे, सेम पोजिशन हो रही है, ये कौन सी हो रही है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में हो रही है। इस वाली लाइन के कहां पर है, ऊपर है, ठीक है, तो अप हो गया, सेम यहां पर भी आएगी बात, ठीक है। तो चीजें सेम करके आप देख लो, बिल्कुल सेम वैसा ही फिगर बनेगा। कभी कभी फिगर ऐसा बना के देते थे, ऐसे नहीं समझ में आया तो कॉपी को घुमा लो और फिर क्वेश्चन कर लो, क्लियर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में, एग्जांपल नंबर 4 दिया है, ये और ये लाइन आपको पैरेलल दिया है, ये एंगल 135 दिया है, ये 40 दिया है, और आपसे ये पूरा एंगल पूछा है एम, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये लाइन एक ऐसी ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों लाइन के पैरेलल होगी। अब ये तीन पैरेलल लाइन बन गई, थोड़ी देर के लिए ये सोचो, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो इनको भी, तो आपको अच्छे से इमेज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब कायदे में देखो, जो ऊपर की दो लाइनें हैं वो ऐसे बनी हुई है, ये पी क्यू और ये हम इसको नाम दे देते हैं कोई भी, इसको लिख देते हैं हम ए बी, ठीक है, और एक ये ऐसे ट्रांसवर्सल आ रही है, ये पॉइंट एक्स, ये वाला वाई, ये वाला एंगल हमें 135 दिया है, ठीक। और हमें कौन सा कैलकुलेट करना है, ये वाला कैलकुलेट करना है, हाँ, यहां पर एम लिखा है, मैंने गलती से वाई लिख दिया था, ठीक है। ये 135 दिया है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये और ये वाला दोनों के दोनों दिख रहा है आपको इंटीरियर है और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, दैट मीन्स इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक। हमें ये 135 दिया है, 180 में से 135 माइनस कर लो, इट इज 45 आएगा, तो दिस वन इज 45 डिग्री। सिमिलरली अगर हम नीचे वाली दोनों लाइन ड्रॉ करें, इसको हटा के देखो, अब नीचे वाली दोनों ड्रॉ करी मैंने, ये ए बी है और ये आर एस है, और एक लाइन इस तरीके से बनी हुई, ये M और ये Y, ये एंगल हमें 40 दिया है, ये 40 दिया है, हमें ये वाला निकालना है, बी एम वाई निकालना है, बी एम वाई यानी ये एंगल निकालना है, ये हमें कैसे दिख रहे हैं, अल्टरनेट एंगल, तो ये भी हमारा हो गया 40 डिग्री, और हमें बताना था ये पूरा एंगल, तो कितना हो गया, 45 प्लस 40 दैट इज 85 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 5 एनसीईआरटी बुक का, If a transversal intersects two lines such that the bisector of pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel. आपको दिया है ये दो लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है और इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है
उनको जो बाइसेक्ट करने वाली लाइन है वो आपको पैरेलल गिवन करी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या गिवन है कि दो लाइन है, ये दोनों लाइन ये दोनों लाइन है पैरेलल नहीं बोला, ये हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल दिया है और ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है इनके बाइसेक्टर ड्रॉ करने वाली जो लाइन है ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और हमें प्रूफ ये करना है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है। इसको प्रूफ हम कैसे करेंगे, पहले हमने कहा ये वाली और ये वाली लाइन अगर पैरेलल है, देखो दो लाइन ऐसे बनी हुई है, ये लाइन पैरेलल और ये दिया हुआ है ट्रांसवर्सल, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो हमने मान लिया कि ये वाला केवल इतना एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, और हमने मान लिया कि ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ठीक है। इसके बाद हमें पता है कि ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हुआ, सिमिलरली ये एक्स है तो ये भी एक्स हुआ, तो ये पूरा एंगल हमारा 2x आ गया और ये वाला भी हमारा पूरा 2x आ गया। अब देखो लाइन ऐसे बनी है और ये पूरा एंगल 2x और ये पूरा 2x, करस्पॉन्डिंग एंगल कब बराबर हो सकते हैं, जब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल हो, तो यही चीज हम आगे लिख देंगे कि दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल एंड दीज आर ओनली इक्वल व्हेन दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। एग्जाम्पल नंबर 6 एनसीईआरटी बुक का, इसमें आपको गिवन किया ये तीन लाइनें हैं, तीनों पैरेलल दी हुई हैं, ये एंगल 90 गिवन है, ये वाला 55 हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये एक्स वाई और जेड हमें निकालना है। जब ये 90 है तो ये वाला भी पूरा एंगल 90 होगा क्योंकि को इंटीरियर एंगल है ये दोनों के दोनों, ये वाला और ये वाला इनका सम 180 होता है, ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा। इसमें से ये 55 दिया है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 - 55 दैट मीन्स इट इज 35। फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, तो दैट मीन्स इन दोनों का सम 180 डिग्री, तो 180 में से माइनस कर लिया हमने, ये आ गया 125। अब ये वाई और एक्स ये दोनों करस्पॉन्डिंग है तो दैट्स वाई एक्स इज ऑल्सो 125।